नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, साल 2023 का सबसे बड़ा और आखिरी भयंकर सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में और कई राशियों पर भयंकर प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से शनिदेव कई राशियों पर अपना भयंकर प्रभाव डालने वाले हैं। वहीं कई राशियां ऐसी है जिनकी इस सूर्य ग्रहण के बाद से किस्मत चमकने वाली है और उनकी लॉटरी लगने वाली है। आखिर कौन कौन सी है वो राशियां जिनका भाग्य उदय होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा, इसका सूतक समय क्या होगा और इस दौरान वो कौन से 5 कार्य है जिनको आपको करने से बचना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप भी अपने जीवन में सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस ग्रहण के प्रभाव से देश में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। दोस्तों, 14 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कब, कहाँ, इसका सही समय और सूतक काल, इसके अलावा कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेगी और किस प्रकार का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको सारी जानकारी देंगे। इसके साथ ही ये भारत के कौन से हिस्से में दिखाई देगा और किन किन देशों में भी दिखाई देगा ये ग्रहण। ग्रहण काल का सूतक काल का समय और ग्रहण काल में बरती जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, उन सभी शुभ कार्यों के बारे में भी बताएंगे जो वर्जित रहता है और जो करने योग्य है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपको निश्चित तौर पर इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अपने जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो होगा वो मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर ये 6 राशियों पर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पड़ने वाला साल 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अटलांटिक कई देशों में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करें अगर सूतक काल की, तो ग्रहण काल यानी रात 8:34 से शुरू होकर दोपहर 2:05 तक रहेगा, यानी कि सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 से ही प्रारंभ होगा। दोस्तों, सूतक काल में यानी बच्चे और रोगी जो बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं, इन्हें छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान खाने पीने के पदार्थ में तुलसी दल रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय गर्भवती महिलाओं को लिक्विड के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी जब तक ग्रहण पड़े उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ तक कि चौखट और दहलीज भी नहीं लांघना चाहिए। साथ ही सुई, कैंची, चाकू, चारों का इस समय यानी जो धार
धारदार वाली जो चीज़ है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित है। यानी जो कांटे वाली चीज़ है उसको बिल्कुल नहीं छूना है। ग्रहण काल में सोना और भोजन दोनों ही वर्जित है। यानी आपको ना तो खाना खाना है ना ही सोना है। दोस्तों, ग्रहण काल में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए, खासतौर पर कोई भी ग्रहण का सूतक काल लगता है। दोस्तों, खासकर साल 2023 का या दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है और इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा, जिसका असर यानी कि सभी राशियों पर देखा जा सकता है। लेकिन खासकर दोस्तों, ये जो 6 राशियाँ हैं ये बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। इनको धन का अंबार मिलने वाला है, यानी धन का खजाना मिलेगा। साथ ही साथ ही करोड़पति बनने वाली हैं। ज़रूरतमंद लोगों को दोस्तों इस सूर्य ग्रहण में दान करना आपके लिए शुभ माना जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते और ग्रंथों के अलावा सूतक काल में पूजा पाठ और देवी देवताओं की तो मूर्ति को भी छूना वर्जित है। इस दौरान कोई भी शुभ काम बिल्कुल ना करें, अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इस दौरान आप दान कर सकते हैं, जैसे कि अनाज वगैरह का, और दोस्तों इसमें तुलसी के पत्ते का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 का ये लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है और ये आपके जीवन में पैसे से जुड़े, धन से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो आपको छुटकारा दिलाने वाला होगा। परंतु ये सूर्य ग्रहण हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों के हाल। तो कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जिन्हें ग्रहण के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए और ये करोड़पति भी बनेंगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में सबसे पहले राशि आती है यहाँ पर वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण वृषभ राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण आपके धन की आय को बढ़ा सकता है। इस सूर्य ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आय के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी जॉब के लिए किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपको खुशियां तो प्राप्त होगी, साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली जो राशि आती है वो है मकर राशि। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं व्यवसाय में, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी कोशिश रंग ला सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यालय में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है। आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। अगली जो राशि आती है वो है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, बैंक से यानी कि लोन आपको
मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अचानक से आय के नए नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशि वालों मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी मिलेगी और आप अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं तो इसकी प्रशंसा बढ़ेगी। दोस्तों, अगली जो राशि आती है दोस्तों, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत पैसों की पड़ रही है तो आपको अचानक से कहीं से धन का भी लाभ हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत या सुधारने में काफ़ी अहम साबित होगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों की प्रेम संबंध में काफ़ी मधुरता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए ये महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ ये समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है। आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल सकते हैं। आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको शुभ परिणामदायक कहा जा सकता है। अगली जो राशि है दोस्तों, वो है सिंह राशि। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों को इस ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनको धन से संबंधित चीज़ों का लाभ होने वाला है। अगर आप पैसा कहीं लगाते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर भी बैठ सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां आप पर भी बैठ सकती है। समझने का प्रयास करें और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थितियां को सुधारने में सहायता करेगा। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण का जो प्रभाव है वो धनु राशि वालों पर रहेगा। आप अपनी संतान को लेकर चिंतित थे, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वाद संवाद भी आपका लोगों के साथ होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी या जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध है, उनसे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। संतान के पराक्रम से आप बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और संतान की तरक्की से भी ये ग्रहण आपके लिए धनु राशि वालों शुभ साबित होगा। आपको ये ग्रहण धन से संबंधित कई चीज़ों में मुनाफा देगा, यहाँ तक कि गुप्त धन आपको दिला सकता है। यहाँ तक कि किसी गुप्त धन के चलते आप करोड़पति बन सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। दोस्तों, धनु राशि वालों, आप अपने सुख सुविधाओं के साथ धन ऐश्वर्य में, धन दौलत में भी वृद्धि करते नज़र आ रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो दोस्तों, साल 2023 में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अगली राशि जो है, जिनको सावधानियां बरतनी है, वो है
मकर राशि, आपके यहाँ पर बेहद सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। आपको दुर्घटनाओं से बचना है, आपको किसी भी लेन देन से बचना पड़ेगा। लेन देन के मामले में सतर्क रहें। हालांकि आपको रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने का योग बन रहा है। धन दौलत में वृद्धि होगी, आपके धन में आय में बढ़ोतरी हो सकती है। आप बिना किसी जॉब के भी धन कमा सकते हैं। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सोच समझकर कार्य करें और वैवाहिक जीवन भी खुशमय रहने वाला है। लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है, कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ चीज़ आपके लिए बेहतर है, कुछ चीज़ नहीं है, उसे आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। सूर्य ग्रहण में आप सूर्य से संबंधित मंत्रों का जितना हो सके उतना जाप करिए। और दोस्तों, सूर्य से संबंधित आप जैसे कि पुराणों या उनकी कथा वगैरह पढ़िए। दोस्तों, आपको इस समय और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंत्रों का जाप करें, मंत्र स्तोत्र का जाप करें, यानी ग्रंथों को पढ़ें, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो कुल मिलाकर ये 6 राशियां जो करोड़पति बनने जा रही है सूर्य ग्रहण में, दोस्तों यूं तो सूर्य और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य ग्रहण से अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए राशि अनुसार कुछ उपाय और दान की चीज़ें बताई गई है। इन उपायों के करने से ग्रहण के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और दान करने से जीवन में सूर्य के समान तेज आएगा, साथ ही सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव भी बढ़ेगा। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण पर राशि अनुसार कौन से उपाय करनी चाहिए। मेष राशि के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और कुश के आसन पर बैठकर तुलसी माला से ओम रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जप करें। साथ ही ग्रहण के समय और बाद में गुड़, गेहूं, मसूर दाल, लाल वस्त्र आदि चीज़ों का दान करना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलेगा। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। ऐसे में ग्रहण के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर श्री सूक्त का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफ़ेद चीज़ें जैसे दही, दूध, शक्कर, सफ़ेद कपड़े, कपूर, खीर आदि का दान अवश्य करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं, ऐसे में कुश के आसन पर बैठकर इष्ट देवों का ध्यान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी मूंग दाल, कांसे के बर्तन, हरी सब्जियां, हरे कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ग्रहण का अशुभ प्रभाव भी दूर रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, ऐसे में ग्रहण के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और ओम रिंग हृदय गर्भाय अव्यक्त रूपने नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफ़ेद चीज़ें जैसे मोती, सफ़ेद कपड़े, शक्कर, चावल, दूध या दूध से बने मिष्ठान आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से जीवन में समृद्धि आएगी और मन में हमेशा शांति रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य है, ऐसे में ग्रहण के समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और ओम क्लीन
ब्रह्मणे जगत धाराए नमः मंत्र का जप करते रहें। साथ ही आज रात सोते समय 5 बादाम और 5 मूली सिरहाने रखकर सोए और सुबह उठकर ग्रहण से पहले मंदिर में दान कर दें। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूँ, तांबे के बर्तन, लाल व नारंगी कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सूर्य से तेज बनते जाएंगे। कन्या राशि के बुध ग्रह हैं। ऐसे में ग्रहण के समय कुश के आसन पर बैठकर तुलसी माला से ओम पीताम्बराय नमः मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में हरी मूंग दाल, कांसे के बर्तन, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरी सब्जियां, हरे कपड़े, हरे फल आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में उन्नति होगी और शुभता बनी रहेगी। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह सूर्य ग्रहण के समय ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः मंत्र का जप करें और रामचरितमानस का पाठ करना उत्तम रहेगा। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफ़ेद चीज़ें जैसे खीर, दही, शक्कर, दूध, सफ़ेद कपड़े, कपूर आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और अटके धन की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। सूर्य ग्रहण के समय ओम नारायण सूर सिंहाय नमः मंत्र का तुलसी माला से जप करें और महाभारत का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में मेष राशि की तरह ही गेहूं, मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, फल आदि चीज़ों का दान करना शुभ रहेगा। ऐसा करने से ऊर्जावान महसूस करेंगे और जीवन में हमेशा आगे रहेंगे। धनुराशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। ऐसे में ग्रहण के समय श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और ओम श्री देव कृष्णाय ऊर्ध्वजाय नमः मंत्र का तुलसी माला से जप करते रहें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में पीले रंग की चीज़ें जैसे पीले फल, चना दाल, पीले कपड़े, बेसन, केसर, हल्दी, गुड़ आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से धन और वैभव में वृद्धि होगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। मकर राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। ऐसे में ग्रहण के समय मकर राशि वाले सुंदर कांड का पाठ करें और ओम श्री वत्सलाय नमः मंत्र का जप करते रहें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में श्रेणी से संबंधित चीज़ें जैसे काला छाता, कंघा, काले या नीले तारे, सरसों का तेल, तिल, लोहे के बर्तन आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से हर समस्या दूर होती है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव है। ऐसे में ग्रहण के समय हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें और ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः मंत्र का जप करते रहें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में शनि से संबंधित चीज़ें जैसे लोहे के बर्तन, कपड़े, गरीब व ज़रूरतमंद की मदद, किसी को भोजन कराएं। ऐसा करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर रहता है और जीवन में शुभता बनी रहती है। मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह। ऐसे में मीन राशि वाले ग्रहण के समय रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें और ओम क्लीम उद्धताय
उद्धरणे नमः मंत्र का जप करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में कुत्ते को रोटी दें, पीले फल, पीले कपड़े, चना दाल के साथ बेसन, हल्दी, गुड़ आदि चीज़ों का दान करना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी और नौकरी व्यापार में उन्नति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।